हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, द डिप्लोमेट नाम का एक नया सीरीज देख रहा था मैं, देखने की कोशिश कर रहा था मैं नेटफ्लिक्स पर। इनफैक्ट 3 दिन से देख रहा हूं, अब तक सिर्फ 3 एपिसोड देखा मैंने। पहला दिन पहला एपिसोड देखा, इतना पक गया यार। मतलब मेरे को लगा द डिप्लोमेट है कुछ तो टेंशन, थ्रिल, एक्साइटमेंट, समथिंग दैट विल कीप यू ऑन टेंटर हुक्स, ऑन द एज ऑफ योर सीट, वैसा वाला एक फीलिंग आएगा। लेकिन कुछ नहीं यार, इट्स जस्ट बोरिंग सीन्स, बोरिंग कॉन्वर्जेशंस, बोरिंग डायलॉग्स। इनफैक्ट पहला जो एपिसोड मैंने देखा, मुझे ऐसा एक फील आया कि डाउनटन एबी जैसा कुछ है क्या, क्योंकि एक बड़ा सा महल जैसा एक घर है, उसके अंदर लोग हैं। वो एम्बेसडर जब आती है उनको ग्रीट करने के लिए स्टाफ वाफ पूरा बाहर आता है, सेम डाउनटन एबी जैसा एक फील आया। बट उसके बाद जो कॉन्वर्जेशंस मैंने देखा बिटवीन द एम्बेसडर, हर हस्बैंड एंड द अदर स्टाफ मेंबर्स, इट वाज सो बोरिंग, कुछ मजा नहीं यार। सेकेंड एपिसोड भी ऐसे बोरिंग कॉन्वर्जेशंस, बोरिंग सीन्स चल रहा है, कुछ मजा नहीं। थर्ड एपिसोड में तो मैं पक गया, मैं बीच में ही छोड़ दिया यार। मैं बोला भाई क्या है ये यार, कुछ हो ही नहीं रहा यार, नो स्टार्स यार, वेरी डिसअपॉइंटेड। दोस्तों अगर आपने द डिप्लोमैट देखा तो मुझे लिखकर बताओ आपको कैसे लगा यार। बाकी वो कैरी रसल जो थी मेन लीड, वो क्यूट लग रही थी, दैट्स द ओनली थिंग यार। अदरवाइज नथिंग एल्स इन द सीरीज केप्ट मी एंगेज्ड, इंटरेस्टेड और इंप्रेस्ड, नथिंग एट ऑल यार। लेट मी नो योर टेक एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, वो भी आप दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।